वेलकम टू माई चैनल नॉलेज डिफाइन। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट आपके फोन में कैसे बनाएं। सो, आप अपना इंस्टॉल कर सकते हैं पावर पॉइंट प्ले स्टोर से। अगर इंस्टॉल है तो आप पावर पॉइंट खोलें। इसमें आपकी रिसेंट्स दिखाएगा, ये आपकी न्यू स्लाइड दिखाएगा, आप ओपन कर सकते हो। और आपको यहाँ थीम्स मिलेगी, इनमें से कोई भी थीम्स चूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से एक थीम्स मिडसन चूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये भी हमारी थीम्स है, बट वाइज आप जैसे भी इसमें देखोगे, कोई भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग थीम्स चुनना। मैं यहाँ लेता हूँ मिडसन की, ठीक है। इसमें जो मैंने ये चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको होम और इंसर्ट के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज ये होते हैं नो पॉइंट में मैं आपको दो बताऊंगा, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। तो होम के बारे में हम यहाँ पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे फाउंट। ये है हमारे ऊपर लेफ्ट में फाउंट, इसमें हम चूज कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने फाउंट साइज बढ़ा सकते हैं, फाउंट साइज कोई भी लो, बस आप टाइटल साइज बड़ा होता है इसलिए बड़ा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका टाइटल करना क्या है, टाइटल क्या रखना है, मतलब वीडियो का कोई भी, जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं TIM Time Watch, ठीक है। ये हो गया टाइम विद, या ऐसे कुछ भी जो आप चाहें टाइम के साथ। इसके नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं टाइटल की। तो यहां मैं दूंगा इसे बीइंग ऑन टाइम, यानी कि वक्त पर आना। बस ये मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, आप खुद अपना टाइटल चूज करोगे। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं फिर से फाउंट्स के, क्योंकि उसका बहुत कम फाउंट्स हैं, तो हमने उसका फाउंट साइज बढ़ा लिया है। फिर आएंगे हम कलर पे। अब कलर पे ये हमारे पास कई ऑप्शन हैं, ये हमारा कम हो रहा है। यहाँ हम वो कलर चूज करेंगे जो बेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ सबसे बेस्ट हमारा वाइट ही रहेगा, वाइट पे ही बैक आएंगे फ्रेंड्स। अब लेते हैं ये क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर, यहाँ हमारा हमने जो भी किया सब क्लियर हो जाएगा। और ये अंडू है और ये फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड और अंडू का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑप्शन दिया है इन्होंने बुलेट्स का, ये हम आगे लगाने के लिए बुलेट्स यूज कर सकते हैं। देखा, अगर आप एयरफोन ना लगाओ, एयरफोन प्ले मोड ना लगाओ तो ऐसा ही होता है। ये हमारा हो गया डॉट्स, इसे मैं भी कर देता हूँ एयरफोन प्ले मोड पे, आप ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गए हमारी नंबरिंग, आ गया नंबरिंग के बाद ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज करने के लिए। हम यहाँ सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, मिडल करना चाहते हैं, अपर करना चाहते हैं, जैसे भी हम मतलब करना चाहें हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इनसे, ठीक है। नीचे आते हैं, ये है न्यू स्लाइड, यहाँ से हम कोई भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं। टाइटल हो गया है, ये लाइट है, इसमें हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, नया लाइट, नया स्लाइड, जैसे भी हमें ब्लैंक चाहिए हो। ये मैंने ले लिया सिंगल कॉलम के साथ राइट में लिखने के लिए, ठीक है। मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में ये सब हमारे कॉलम है, ये टेबल है, ठीक है। टेबल को ले लेते हैं, टेबल पे हम मतलब कुछ भी हमें फोर कॉलम्स चाहिए उसे सेट करने के लिए इन्होंने इजिली ऑप्शन दे दिया, हमें बनाना ना पड़े डिजाइनिंग वगैरह में। तो ये हो गया, इसका पूरा एक इन्होंने फुल पॉइंट भी दिया है, उसमें हम बाद में आएंगे, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं फोटोज यानी कि पिक्चर्स को कैसे सेट करें। यहाँ मैंने ले लिया इंडिया का मैप, इसे मैंने क्रॉप किया है, लेफ्ट में क्रॉप बटन है, दबा के क्रॉप हो जाएगा। तो ये अब हमने सेट करके मैनुअली इसे क्रॉप कर दिया यहाँ लिख के। अब हम इस पर लिख भी सकते हैं, मतलब कि इंडियन में कितनी पॉपुलेशन है, या हम पॉपुलेशन लिख के ओके इन इंडिया हो गया। वो हम चलते हैं 133 पॉपुलेशन करोड़ हमारे इंडिया में है। तो अब हम थोड़ा बैक आते हैं। देखो, मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है फाउंट साइज। हम मैं इसमें सेटअप करता हूँ
एक लड़के, ठीक है, ये ज्यादा हो गया फाउंड, कम करता हूँ। ये सब सेटअप अपना आप करना होगा, मतलब मैं तो आपको लॉन्ग वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ बना के ताकि आप खुद से करना जान जाओ गलतियों को देख के। छुपाऊंगा तो मैं वीडियो क्लिप हटा सकता हूँ यहाँ से, लेकिन नहीं, आप देखो और सीखो। ये अब हम आ गए, पिक्चर्स हो गया, ठीक है, यहाँ वीडियो ले सकते हैं, ऑडियो ले सकते हैं। ये आ गया हमारा शेप्स, शेप्स में हम एरो कुछ इस टाइप से ले सकते हैं और इंडिया पे इंडिकेट कर सकते हैं, पॉपुलेशन से इंडिया को इंडिकेट कर दिया है। और यहाँ हमारे पास शेप्स में भी शेप्स टाइप्स आ जाएंगे। अब आते हैं हम वापस इंसर्ट में, इंसर्ट्स के अंदर अब टेक्स्ट बॉक्स है, ये अपना ही टेक्स्ट बॉक्स होता है। अगर कहीं एम्प्टी है, माना ब्लैंक बॉक्स पे आप काम रहे, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है। टेक्स्ट बॉक्स का हम साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें लिखता हूँ 133, यानी कि 133 क्रॉन, जो कि इंडिया की आबादी है। अब जब मैप लगाया है तो उस पर इंडिया की आबादी को भी लिखना होगा। आइए अब हम इसे यहाँ पर सेट करते हैं। इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा 48। इसका कलर हम वाइट ही बेटर रहेगा, ये आ गया वाइट पे, ठीक है। 133 करोड़ इंडिकेट कर रहा है, कोई नहीं, ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक पे ले आते हैं। अब हम रिटर्न होते हैं, ओके, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा चुका हूँ कैसे बनाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्क ये है कि अब हम इसे सेव कैसे करें, मतलब मेन काम तो यही होता है कि प्रेजेंटेशन को सेव करना। राइट में जाएं, डॉट्स पे, सेव के ऑप्शन पे हम आ गए। यहाँ से हम रीनेम फाइल कर सकते हैं, मैंने इसे करता हूँ NPR, ठीक है, NPR नेशनल पॉपुलेशन, जैसे कि है मैंने एक शॉर्ट सा डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज डिफाइन, प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।